आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाणी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 को हिमाचल चुनाव के साथ आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग गुजरात में 2 चरणों में मतदान कराएगा। 1 व 5 दिसंबर को मतदान होंगे तो वहीं हिमाचल चुनाव के साथ गुजरात विधानसभा के नतीजे भी 8 दिसंबर को जारी होंगे। यूपी समेत 6 राज्यों में उपचुनाव जारी, सपा ने भाजपा पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। यूपी समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज गुरुवार को मतदान हुआ। उधर यूपी में गोला गोकर्ण नाथ सीट पर मतदान में भाजपा पर सपा ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पूर्व जज की याचिका, बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलने की थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाई कोर्ट करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इजराइल में मतगणना जारी, नेतन्याहू को बहुमत के आसार, फिर बन सकते हैं प्रधानमंत्री। इजराइल के आम चुनाव में राजनीतिक दल लिकुड को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार हैं। रुझानों से पता चला है कि पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर वापसी कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को बैठक में कई बड़े निर्णय लिए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। जैविक हथियार मामले में रूस को मिला चीन का साथ, यूएनएससी वोटिंग से भारत ने बनाई दूरी। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत ने यूएनएससी में पारित एक और प्रस्ताव से दूरी बना ली है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने दावा किया था कि अमेरिका की मदद से यूक्रेनी सैनिक जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आ रही रॉयल एनफील्ड की नई क्रूजर बाइक, टीजर हुआ जारी, मिलेंगे नए फीचर्स। चेन्नई की बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड ने बताया है कि वह इटली के मिलान शहर में 8 नवंबर को अपनी नई बाइक RE सुपर मीटियोर 650 से पर्दा उठाएगी। कंपनी ने एक टीजर भी जारी किया है। 5 साल में गोवा में CBI को नहीं मिला भ्रष्टाचार का केस, अफसर बोले यहां हमारी जरूरत नहीं। गोवा CBI के सामने एक अनोखी समस्या आ गई है। गोवा में CBI SP आशीष कुमार का कहना है कि पिछले 5 सालों से हमें यहाँ रिश्वतखोरी या आय से अधिक संपत्ति की एक भी शिकायत नहीं मिली है। ग्लैमरस लुक में बर्थडे पार्टी में पहुंची अंजलि अरोड़ा, उर्फी जावेद संग मस्ती करती आई नजर। सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा आज अपना 23वां जन्मदिन मना रही है। मुंबई में अपनी बर्थडे पार्टी में अंजलि ने दोस्तों के साथ जमकर मस्ती की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आगरा के 5-स्टार होटलों में रुकती थी लड़कियां, ऑनलाइन होती थी बुकिंग। आगरा में देह व्यापार गैंग चलाने वाली सरगना रोशनी के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसमें सरगना सहित 8 लोग आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस अब आरोपियों के मोबाइलों को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजेगी। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। आगरा में हाईवे पर टैंकर से टकराई रोडवेज बस, 2 यात्रियों की मौत, 12 लोग हुए घायल। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में हाईवे पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। कुबेरपुर के पास हाईवे पर रोडवेज बस टैंकर से टकरा गई। हादसे में रोडवेज के कर्मचारी समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 12 यात्री घायल हो गए हैं। दिल्ली NCR की हवा हुई जहरीली, सुबह से दिखी धुएं की मोटी चादर। दिल्ली NCR की हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली NCR के इलाकों में आज भी धुंध छाई हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने की बैठक, बढ़ती महंगाई पर सरकार को देना है जवाब। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने गुरुवार को मुद्रा स्फीति पर सरकार को जवाब देने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को बैठक की है।
रुड़की के एक कारखाने में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की जलकर मौत। उत्तराखंड में रुड़की की गंगनगर कोतवाली क्षेत्र के गुलाब नगर स्थित एक कारखाने में देर रात भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा कारखाने में सो रहे अयूब नाम के एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई है। ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम सोरेन, बोले, अगर अपराधी हूं तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। कथित अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि सोरेन ईडी के सामने अभी पेश नहीं हुए हैं। इस बीच अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, अगर मैंने अपराध किया है तो मुझे गिरफ्तार करो। इनामी हिस्ट्री शीटर जितेंद्र की गोली मारकर हत्या, खाली मकान में पड़ा मिला शव। बागपत जिले में बड़ौत के तुगाना गांव के सिंडिकेट बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने वाले कुख्यात बदमाश और 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर जितेंद्र की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस हत्याकांड के खुलासे में जुटी हुई है। मेरठ में नगरायुक्त और मेयर में ठनी, सुनीता वर्मा बोली, नगरायुक्त ने मेयर पद का अपमान किया। मेरठ में मेयर सुनीता वर्मा के स्टेनो पंकज शर्मा को नगरायुक्त ने 4 साल पुराने एक केस में निलंबित कर दिया है। इसे लेकर मेयर सुनीता वर्मा बृहस्पतिवार को नगरायुक्त से मिलने पहुंची। वहां नगरायुक्त को ना देखकर वह गुस्से से लाल हो गईं। मशीन में फंसकर नाबालिग मजदूर की मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा, कई थानों की पुलिस पहुंची। मेरठ के गंगानगर में मवाना रोड इचौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री में मशीन के अंदर आ जाने से नाबालिग मजदूर की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को फैक्ट्री पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ते देख 3 थानों की पुलिस फोर्स व पीएसी बल मौके पर बुलाना पड़ा। प्रदेश में शत्रु संपत्तियों पर कब्जा धारकों की अब खैर नहीं, सीएम योगी ने अवैध कब्जा मुक्त कराने को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के कई जिलों में स्थित शत्रु संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने शत्रु संपत्तियों को अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए गृह विभाग की निगरानी में प्रदेश व्यापी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। गोद में उठाकर स्टेज तक लाए गए दूल्हा दुल्हन, कद ने अजीम और बुशरा को दिलाया फेम। शामली में कैराना नगर के मोहल्ला जोड़वा कुआं निवासी अजीम मंसूरी की शादी में उनका 2.5 फुट का कद बाधा बना हुआ था। अजीम का रिश्ता हापुड़ निवासी 3 फुट 2 इंच कद की बुशरा के साथ हो गया। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।